नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आखिर क्यों लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं? आखिर क्यों आपके साथ ही हमेशा ऐसा होता है जब आप अपने कार्यों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और उनका लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं? आखिर क्यों आपको ही परेशानियाँ होती है? सभी राशियों में से आपकी ही राशि जो है सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। दोस्तों इसके पीछे जो कारण है जानकर आप हैरान रहने वाले हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये सभी कार्य आपके जीवन में जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी रहने वाले हैं, बशर्ते आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये शब्द जो हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, लोग हमारे भावनाओं को आखिर क्यों नहीं समझ पाते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहों की बदलती चाल हमेशा मनुष्य के जीवन में एक नए नए परिवर्तन करते रहते हैं। जी दोस्तों, और जब ग्रह उल्टी दिशा में होते हैं तो आपको सफलता अगर प्राप्त होती है, जी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्रह उल्टे दिशा में होते हैं, अगर आप सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं तो दोस्तों लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर आपके प्रति नेगेटिव विचार रहते हैं जो कि आपके लिए हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, लोग आपको कदर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो ये जो समय है, अभी जो ग्रहों की चाल बन रही है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है। यश में आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी लोग भावनाओं की कदर भी करने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इनमें आप जानेंगे कि यश में बदलती ग्रहों के चाल के कारण आपके जीवन में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, तो अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में आप पूरे मनोयोग द्वारा घर के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करने में समय व्यतीत करेंगे, घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं आएंगी और दोस्तों यश में उनकी सफलता भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों जो कि घर के और व्यवसाय दोनों के जगह के लिए बहुत ही उचित साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी सावधानी की रुकर बात करें तो दोस्तों यश में बहुत अधिक मेहनत तथा थकान की वजह से कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, जिनकी वजह से बिना बात के गुस्सा आपको आ सकता है। दोस्तों यश में संतान की उत्तिथियों को भी नज़रअंदाज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, कड़ी नज़र रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके द्वारा काम में कोई बड़ी गलती यश में हो सकती है दोस्तों, जिनका असर आपकी आर्थिक परिस्थिति पर भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों यह गलती की वजह से आपको कोई भी बड़ी सीख मिलने को यश में मिल सकता है। दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर आपको फोकस या फिर भरोसा रखना था दोस्तों, उस व्यक्ति के द्वारा पेशे संबंधित कोई तकलीफ पैदा हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में इस राशि के जातकों के लिए बेहतरीन ग्रह स्थितियां बनी हुई है। दोस्तों आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा यश में महसूस करेंगे। दोस्तों आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा, घर का वातावरण बहुत ही आनंददायक और खुशनुमा बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, कभी कभी आपके अत्यधिक रोक टोक की वजह से घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। दोस्तों कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार पुनर्विचार करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके किसी काम के लिए घर के बुजुर्ग द्वारा विरोध किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी नाराजगी बढ़ेगी। फिलहाल दोस्तों पैसे का निवेश करना आपके लिए योग्य रहेगा, कोई भी बड़ी वस्तु की खरीदारी करने से यश में आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में जो दिन होगा आपके लिए, जो समय होंगे आपके लिए, मन मुताबिक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा, प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क यश में स्थापित होंगे जो कि दोस्तों आगे चलकर आपके लिए लाभदायक रहेंगे। दोस्तों अपने परिजनों की मदद करना आपको खुश रखेगा। दोस्तों विद्यार्थी वर्ग भी अपने पढ़ाई के प्रति पूरे ध्यान रखें, साथ ही दोस्तों दोपहर के बाद कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, जिनकी वजह से किसी नैतिक मित्र के साथ कहासुनी होने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों यह समय युवाओं को मौज मस्ती की अपेक्षा अपने करियर व फिर भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय यदि आप भागीदारी में व्यापार करते हैं तो दोस्तों आपके भागीदारी के साथ कुछ बातों के बारे में विवाद हो सकता है जिनकी वजह से भागीदारी टूटने की भी आशंका बन रही है। दोस्तों किसी भी चीज को पाने का जिद यश में आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्तों यश में आपको थोड़ी तकलीफ से भी गुजरना पड़ेगा, परिस्थिति में बदलाव यश में आपको देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप अधिक से अधिक समय परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। दोस्तों नेतृत्व करने की आपकी क्षमता बहुत कार्य को सुचारू रूप से पूरे भी करेंगे। परंतु दोस्तों यश में खर्चे की अधिकता भी रहेगी जिनकी वजह से कुछ तनाव रह सकता है। किसी भी बात बात की स्थिति में शांत रहने में ही आपका भलाई होगा। दोस्तों अपने रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर मित्र परिवार के साथ या फिर आपके करीबी लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताना होगा जिनकी वजह से आपको नई ऊर्जा प्राप्त होगी। किसी नए काम की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होने की वजह से मन को समाधान मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों युवा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति देख पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यवसाय की दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। दोस्तों आपको अपनी मेहनत व फिर योजनाओं में उचित सफलता हासिल होगी तथा दोस्तों भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने का भी आप यश में कोशिश करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों करियर तथा कार्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे और दोस्तों आपको अपने इन प्रयासों का उचित लाभ यश में प्राप्त होगा। शेयर तथा सट्टा आदि से जुड़े कार्यों में भी बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि दोस्तों यह समय इन कार्यों में नुकसानदायक स्थितियां बनी हुई है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे मशीनरी और कारखाने संबंधी बिजनेस के लिए फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई है। दोस्तों ध्यान रखें कि कोई करीबी व्यक्ति की कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के बीच फूट डाल सकता है, इसलिए दोस्तों बेहतर होगा कि सभी गतिविधियों पर अपनी नजर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में यह समय कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। पिता या फिर पिता समान व्यक्ति का सहयोग व फिर सलाह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से यह समय भी समय देना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यश में नष्ट ना करें, ये आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों परिवार की देखरेख में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा, पति पत्नी के आपसी संबंध भी यह समय मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, घर के सदस्यों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय आपका व्यतीत होगा। दोस्तों आपको बता दें यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा तथा प्रेम संबंध भी यह समय मर्यादित रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होगी। दोस्तों यह समय अपने खान पान के प्रति लापरवाही ना बरतें तथा उचित आराम भी लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, काम की अधिकता की वजह से तनाव भी आपके ऊपर हावी रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में खांसी जुकाम व फिर बुखार की समस्या भी रह सकती है, लापरवाही ना बरतें, वर्तमान मौसम से अपना बचाव यश में अवश्य करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में अनुचित खान पान की वजह से पाचन संबंधी समस्या भी रहेगी, यश में स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।